स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन अरियाल एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय। और आज का मेरा टॉपिक है सीक्रेट हैंडराइटिंग। अगर हम सीक्रेट हैंडराइटिंग और इनविजिबल इंक के इतिहास पर नजर डालें तो पहले इंसान जिन्होंने सीक्रेट हैंडराइटिंग और इनविजिबल इंक का यूज किया था वो थे ग्रीक हिस्टोरियन थुसाइडिड्स। इन द 4th century BCE उन्होंने वाटर और विनेगर का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसका यूज़ वो किसी भी वुड यानी लकड़ी के किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक सीक्रेट मैसेज लिखने के लिए यूज़ किया करते थे। और वो सीक्रेट ऑब्जेक्ट तभी विजिबल हो पाता था जब उस लकड़ी को हीट दी जाती थी या फिर उसे फायर से थोड़ा गर्म किया जाता था। आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करने वाले हैं सीक्रेट हैंडराइटिंग का एक प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने इनविजिबल इंक के रूप में विनेगर का यूज़ करा है, साथ ही एक पेन की निब पर कॉटन लगाकर एक होममेड पेन बना लिया है जिससे कॉटन विनेगर को अच्छी तरह से सोक कर सके और जब भी हम पेपर पर कुछ लिखते हैं तो विनेगर पेपर पर अच्छी तरह से डिपॉजिट हो जाए। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं घर पर कर रहा हूँ तो मेरे पास सच एज हीट प्रोवाइड करवाने के लिए कोई लेबोरेटरी का इक्विपमेंट नहीं है, तो जनरली जो घर में गैस होती है मैंने उसका यूज़ करा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम गैस ऑन करने के बाद पेपर पर थोड़ी थोड़ी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ी देर होती है, मतलब कुछ सेकंड का समय लगता है, थोड़ी सी हीट मिलते ही जो हमने सीक्रेट मैसेज लिखा था पेपर पर वो धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरा वर्ड्स जो हमने एक्चुअल सेंटेंस लिखा था फॉरेंसिक साइंस वो हमें पूरी तरीके से विजिबल हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रैक्टिकल जो सीक्रेट हैंडराइटिंग का प्रैक्टिकल है वो इस तरीके से परफॉर्म किया हमने।